नो मम्मा, नो 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 मम्मा, मैं कार्तिक को नहीं छोड़ सकती हूँ मम्मा। I love कार्तिक, मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कार्तिक के लिए मरना नहीं, साथ जीना चाहती हूँ मम्मा, जीना। उसके लिए मरना नहीं चाहती हूँ मम्मा। मम्मा, मम्मा मैंने उसे भेज दिया। अगर तुम रात को मच्छर नहीं मारे थे तो कौन मारा था? मैंने तो पहली बार देखा इस रैकेट। मेहर से मिलकर आ रही हो, सहेली हो उसकी। पुत्र, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक ठाक तो है ना पुत्र? जी माँ जी, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरी पोती के घर से अंदर से बाहर आ रही हो, कुछ हुआ है पुत्र? आप मेहर की दादी है क्या? हाँ हाँ, मेहर तो ठीक है ना? कार्तिक मेरा प्यार है। मैं कार्तिक को नहीं छोड़ सकती हूँ मम्मा। मेहर ये जो कुछ भी कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी आप प्लीज उसे रोकिए, वो बिल्कुल सुनने और समझने की स्थिति में नहीं है। और अभी अभी मैं जो देख के आ रही हूँ वो तो फिकर मत कर पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, वो तुझे कुछ नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगी। तू जा, मैं सब संभाल लूंगी पुत्र। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। मम्मी, अम्मा चली गई वो, मैंने भेज दिया उसको। कार्तिक मुझे मिल जाएगा ना मम्मा? I can't live without कार्तिक। मॉम, लुक हूज हियर, बीजी। बीजी, मम्मा हेलो बोल रही है। मर गई तेरी माँ बहुत साल पहले, तब तो छोटी बच्ची थी। झूठी है आप, झूठ बोल रही है। दिन में दो बार बात करती है वो मुझसे, झूठ, झूठे हो आप, झूठ बोलते हो आप। फोन भी काट दिया। मेरी मम्मा से मैं बात कर रही थी ना, क्यों आए हो आप यहाँ बताओ मुझे? नहीं आती ना पुत्र, तो तू फिर से एक किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर देती। जाओ जाओ बीजी, आप जाओ यहाँ से। आई डोंट वांट यू हियर। जहाँ से भी आयो ना वापस चले जाओ। जब भी आते हो सब कुछ खराब कर देते हो। मुझे नहीं चाहिए आप यहाँ पे। मैं अभी भाई को आपकी शिकायत लगाती हूँ। आई कॉल भाई। लगा लगा फोन लगा। मुझे भी तेरे प्रा से बात करनी है। पहले कोई कम घन फैलाया था तूने जो फिर से शुरू हो गई। अरे किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी तू सोचती है या नहीं? ये सिर्फ वो दुष्ट औरत सुरभि कर सकती है। सब कुछ उसके झूठ से ही शुरू हुआ है बीजी। फिर भी उसकी इतनी हिम्मत, आपको आके मेरी शिकायत लगा रही है वो? शिकायत नहीं, असलियत बता रही थी वो तेरी। पिछली बार तेरे प्राण ने तुझे बचा लिया था, फिर से वही गलती? गलती 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 यही बोलती रहती है आप। मेरे पास दिल नहीं है क्या? नहीं प्यार कर सकती मैं? दिखाऊं अपना दिल?
आपको देखते हैं मेरा दिल, दिखाओ अपना दिल। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुझे कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं फोन भी ऑफ आ रहा है। तेरा प्रा दुनिया भर में चक्कर मारता रहता है मगर अपने घर के लिए तो उसे कोई होश नहीं है। हेलो, साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड या जलंधर, उन्हें बोल दो कि बीजी को फोन करे मुंबई। अरे मेहर के घर। कार्तिक मेरा, बीजी आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कार्तिक मेरा है। वो तेरा नहीं है, वो किसी और का सुहाग है और आज मैं तुझे किसी की जिंदगी के साथ खेल खेलने नहीं दूंगी, समझी? आँखों में इशारा हो गया, आज तक मैं इतना गहरा प्यार नहीं देखा। मैं चलता हूँ। अरे कार्तिक, तुझसे बात करनी थी। बोलिए। वो मेरा दोस्त है ना देशपांडे, वो मिला था, कह रहा था कि उसके बेटे को बैंक में बहुत अच्छी नौकरी मिली, मतलब पीएफ है, पेंशन है, एलटीए मिल रहा है, बहुत अच्छा जॉब है। अच्छा, हाँ कौन से बैंक में? मैं भी अपने लिए देख लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब तेरे लिए नौकरी की बात नहीं हो रही है, वो हर चीज में घाई, हाँ हर चीज में जल्दबाजी। अरे कम से कम पहले बाबा को बताने तो दीजिए जो वो बताना चाहते हैं। ये लीजिए, मास्टर नीचे छड़ी लेके हाजिर है, कुछ हो ना डांटने की जल्दबाजी जरूर रहती इनको, है ना मास्टर नीचे? आपसे ना तो ज्यादा ही सब्र है मुझ में, हो कि ना बाबा? नहीं नहीं, चलो तो तुम लोग अपनी बात पूरी कर लो, मैं क्या, मैं यहीं बैठा हूँ। सॉरी बाबा, वो क्या कहने वाले थे आप नौकरी के बारे में? नहीं नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी करने वाला वो लड़का। मैं सोच रहा था कि वो लड़का अपनी शांति के लिए बिल्कुल सही रहेगा। शांति? अरे रुक तो। अरे कार्तिक, किस सोच में डूबा हुआ तू? काका, वो मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, शांति की अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अरे चल रही है तो खत्म भी हो जाएगी ना, और मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार उस लड़के से मिलने में देखने में हर्ज क्या है, अगर बात जमती है तो साखर पुड़ा कर लेंगे, और शादी का क्या है, जल्दी नहीं है बिल्कुल, एक डेढ़ साल में कभी भी कर लेंगे। सच कहूं तो वो लड़का मुझे शांति के लिए बहुत अच्छा लगा। पर काका, मुझे अभी भी लग रहा है कि जल्दी कर रहे हैं आप। नहीं कार्तिक बेटा, भाऊजी ठीक कह रहे हैं। देख, हर चीज का एक सही समय रहता है, और समय रहते ही अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो बुराई क्या है? और वैसे भी शांति के फाइनल एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, शांति की जिम्मेदारी भी तो निपटानी है तुझे। ठीक है आई, आपको और काका को अगर सही लगता है तो देख लेते हैं। वैसे बाबा कब आ रहे हैं लड़के वाले? मैं सोच रहा था कि आज शाम को ही बुला लेते खाने पर। सुनो ना संग मरमर। कार्तिक, शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए बना रही हूँ मैं। कार्तिक तो मेरे पति है, जब कोई उसका सिंदूर छीनने की कोशिश करता है तो वो औरत सत्यवती भी बन सकती है। तुम इसे मेरी चेतावनी समझो।
तुम मेरे कार्तिक को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती हो। कुछ ऐसा करूंगी कि कार्तिक को मुझसे प्यार हो जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच सुरभि। आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। या क्या भाई? क्या भाई? अगदी आरामात बसा। ही माझी मुलगी सुरभि, आप तो बचपन से जानते हो। बहिणी, हे मेरे बचपन का दोस्त है रमाकांत देशपांडे। रमाकांत, इन्हीं की बेटी के बारे में मैंने कहा था, शांति। श्रीकांत, तूने शांति की इतनी तारीफ की है, आप मिलवा ही दे उससे। जरूर जरूर। बसा बेटा बसा। श्रीकांत भाऊ, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। ती सुंदर आहे। शांति बेटा, चाय। हर चीज इतने धीरे धीरे से क्यों कर रही है? कार्तिक बेटा, दिल हो तो तुम्हारे जैसा। बेटे, सब तरफ टीवी अखबार में चर्चे थे तुम्हारे। सब कुछ दे दिया कमला ताई को, या अपने लिए कुछ रखा भी? काका, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियों के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं है। पापा का आशीर्वाद बना रहे, पैसों को क्या है, वो तो फिर से कमा लूंगा। बेटा, ये तुमने बनाया है? नहीं, सब कुछ सुरभि भाभी ने बनाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। जी जी, सीख रही है वो। हाँ हाँ, वो क्या है ना, शांति अभी पढ़ाई कर रही है। हाँ। तो इसीलिए हमने शांति को घर के कामों में नहीं उलझाया। जी जी। हाँ, वो सी जरूर जाएगी। देख श्रीकांत, मुझे तो लड़की पसंद है। अब लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर ले तो मुझे तो कोई इतराज नहीं। हाँ जरूर जी। कार्तिक, सुरभि, इन दोनों को अंदर लेके जाओ। चलो शांति। आप लोग आराम से बैठकर बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कार्तिक, मैं अभी आई। आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। कार्तिक, आप ये क्या कर रहे हैं? घर पर मेहमान आए, अगर किसी ने हमें से देख लिया तो? अरे तो क्या हुआ? लाइसेंस है मेरे पास, समझे? अगर आप बार बार ऐसे ट्रैफिक लाइट्स तोड़ेंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मास्टरनी जी हो या हवलदार, ये भी कोई बात हुई? बड़ी बड़ी मुश्किल से टेस्ट वेस्ट पास करके लाइसेंस मिला, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? सुरभि, रुक भी जाओ ना प्लीज। वैसे भी तुम्हें और मुझे ये सब करने का मौका नहीं मिला, ऐसे छिप छिप के मिलने का, बातें करने का, रोमांस करने का। सुरभि बाड़ा। हाय, आई मैं। कार्तिक, छोड़िए मुझे। एक शब्द पे छोड़ो, मुझे मेरा नाम चाहिए। दो नाम, दो नाम। आपकी हॉबीज क्या है? जी, क्या क्या कहा, हॉबीज? हाँ हॉबीज।
मेरा मतलब आपको क्या क्या पसंद है, जैसे कुकिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स? हाँ स्पोर्ट्स। अरे आप क्रिकेट तो देखती होंगे ना? नहीं नहीं पसंद। अरे आप ठीक तो है ना? देखिए आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं तो मैं नर्वस नहीं हूँ। चाय। इतने बड़े इकलौते भाई की बहन क्या हमारे घर में रह पाएगी? काका यहाँ रह रहे ना खुश है, शांति को बस प्यार चाहिए। लो क्या हुआ? बाल्टी क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम अपना काम करो कार्तिक भाई, हम लोग के बीच में पड़ने का नहीं। तो ये पानी बाल्टी मेरे। शांति कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं, शांत हो जा। माफ कीजिएगा श्रीकांत भाऊ, ये आप क्या करने जा रहे थे हमारे साथ? ऐसा धोखा? अरे हमारा इकलौता लड़का है और आप एक ऐसी लड़की को हमारे सर मढ़ रहे हैं कि जो दिमाग से कमजोर है। नहीं भाई बस बहुत हो गया, वो तो बप्पा ने सुनवा दिया, सारा नजारा दिखा दिया, वरना पता नहीं क्या होता हमारे साथ। काकी शांति दिमाग से कमजोर नहीं है, एकदम नॉर्मल है, वो बस थोड़ा जल्दी से घबरा जाती है ये लड़ाई झगड़े को लेकर। छोटी उम्र से जो उसने देखा है उससे उसके दिमाग में डर बैठ गया। आप तो जानते हैं कि हमारे बाबा क्या काम करते थे, बस उसी चीज के खौफ से उसके दिमाग में डर बैठ गया और वो भी दूर हो जाएगा। वो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई खराबी नहीं। काकी देखो बेटा बस रहने दीजिए आप, अगर ये आंखों में आंसू भर के चाहता है कि अपनी बहन का कंधों का बोझ हमारे सर पे डाल देगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो बेटा बात सुनो, मकान बात। कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी मैडम, पर आपने कहा था कि अगर कार्तिक बर्वे के बारे में कोई भी जरूरी बात पता चले तो तुरंत आपको फोन करूं। Have you found? Tell me. क्या पता चला तुम्हें? उन लोगों के मन में जो भी आया वो लोग तो बक के चले गए। कुछ भी कहेंगे वो लोग मेरी बहन के बारे में, चीजें समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाती है। तो क्या प्रॉब्लम है, बीमारी थोड़ी ना ये। कार्तिक शांत हो, शांत हो। उनके कहने से ये बात सच साबित नहीं हुई, ये कोई आखिरी रिश्ता नहीं है। शांत हो। कशी है शांति, अभी बेहतर है।
पर बड़ी मुश्किल से रोना बंद हुआ उसका। मैं देखता हूं। कमेन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए।